वेलकम बैक ऑल स्टूडेंट्स। कल हमने बिल ऑफ एक्सचेंज का एक प्रोफॉर्मा देखा, आज और एक क्वेश्चन देखेंगे। एक नए फॉर्मेट से क्वेश्चन को सामने रखता हूँ, सब जन क्वेश्चन लिख कर लो। सेकंड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। Please write down the question on 10th March 2015, comma Rajesh Bhunkar, comma Gandhinagar. गांधीनगर नागपुर नागपुर ड्रॉप्स अ 60 डेज बिल on 4,500 on Sameer Chaudhary. समीर चौधरी मेन रोड बेलापुरा। फुल स्टॉप। समीर चौधरी एक्सेप्ट द बिल accepts the bill on 15 March 2015. तो क्वेश्चन तो आपने लिख लिया होगा, क्वेश्चन लिख कर लो बच्चों। कल का जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था और आज जो क्वेश्चन हमारे सामने देखने में आ रहा है, तो कल क्वेश्चन पॉइंट में था। पॉइंट नंबर वन ड्रॉवर, पॉइंट नंबर टू ड्रॉविंग, पॉइंट नंबर थ्री अमाउंट ऑफ बिल, छह पॉइंट थे। आज वो छह पॉइंट पूरे पैराग्राफ में, मतलब क्वेश्चन दो टाइप से आता है, या तो पॉइंट में नहीं तो पैराग्राफ में। पैराग्राफ में आने के बाद क्वेश्चन को, पैराग्राफ में अगर क्वेश्चन आता है तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लेना। फर्स्ट 10th मार्च 2015 को राजेश ने, राजेश भूमकर गांधीनगर नागपुर, सॉरी नागपुर गांधीनगर सॉरी गांधीनगर सॉरी नागपुर ड्रॉज अ 60 डेज बिल। तो ये दिन, इस डेट को बिल रेडी हुआ, बिल ड्रॉ हुआ, तो इसको बोलेंगे हम डेट ऑफ बिल। टोटल कितने पॉइंट है बच्चों? छह। पहला पॉइंट क्लियर। अब राजेश भूमकर गांधीनगर नागपुर, इसने बिल बनाया, ड्रॉ किसने किया, रेडी किसने किया, बिल को मेकिंग का काम किसने किया, किसने तैयार किया? राजेश भूमकर गांधीनगर नागपुर ने वाले ने किया। राजेश भूमकर ये ड्रॉवर है क्योंकि इसने बिल तैयार किया है, ड्रॉ किया। हु ड्रॉज द बिल? ड्रॉवर ड्रॉज द बिल। तो ड्रॉवर राजेश है,
राजेश भूमकर, इसका एड्रेस गांधीनगर और इसका सिटी नागपुर। तो ये बिल तैयार कर रहा, तो राजेश ड्रॉवर बन गया बच्चों। पॉइंट नंबर वन डेट ऑफ बिल, पॉइंट नंबर टू ड्रॉवर, कौन है ड्रॉवर? राजेश भूमकर गांधीनगर। फिर अगला पॉइंट 60 डेज, ये है पीरियड। कल पीरियड 3 मंथ्स था, आज 60 डेज है। तो याद रखो बच्चों, पीरियड टर्म कभी मंथ में आता है तो कभी डेज में आता है, दोनों भी एक्सेप्टेबल है, दोनों भी चलता है। 60 डेज और 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ, 60 डेज, 90 डेज, डेज में भी आता है, मंथ में भी आता है। ओके कंटिन्यू। 4500 ये है अमाउंट। पॉइंट नंबर वन डेट ऑफ बिल, ड्रॉवर नेम, डेट पीरियड एंड पॉइंट नंबर फोर अमाउंट। अब राजेश ने तो बिल तैयार किया, पूरे पैराग्राफ में 2 पर्सन के नाम आपको दिख रहे हैं यहां पर, एक है राजेश, दूसरा है समीर। तो समीर के ऊपर बिल तैयार हो रहा, बिल तैयार करने वाला राजेश, किसके ऊपर बिल तैयार कर रहा हूं? समीर चौधरी, समीर चौधरी मेन रोड बेलापुर, समीर चौधरी मेन रोड बेलापुर। तो ये बन गया इंफॉर्मेशन नंबर 5 ड्रॉवी। जिस दिन क्वेश्चन पॉइंट वाइज आएगा, फर्स्ट ड्रॉवर, सेकंड ड्रॉवीज नेम, थर्ड पीरियड, अमाउंट, इजी। पैराग्राफ में आए तो आपको इतना एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा कि पैराग्राफ में क्वेश्चन आता है तो डेट ऑफ बिल, ड्रॉवर, ड्रॉवी, पीरियड, अमाउंट, आपको इस तरह से पॉइंट आउट करना होता है। इस तरह से पॉइंट आउट करने के बाद बिल बनाने का प्रोफॉर्मा तैयार करना। 5 पॉइंट क्लियर हुए। छठा पॉइंट एक्सेप्टेड ऑफ डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो हर स्टूडेंट क्या करेगा, इस तरह से अंडरलाइन करके क्लेरिफाई करेगा, ये पूरे पॉइंट को अंडरलाइन करके इस तरह से क्लियर लिखेगा कि बिल कब बना, कौन ड्रॉवर है, अमाउंट कितना है, पीरियड कितना है, ड्रॉवी का नाम, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, सब जन इस तरह से लिख कर लो। ओके तो इतना लिखने के बाद हम इसका भी प्रोफॉर्मा तैयार करेंगे, जैसा हमने कल बनाया था सेम उसी तरह भी प्रोफॉर्मा बनेंगे। कल हमने पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया था, आज डायरेक्ट प्रोफॉर्मा बना के आपको दिखा था। ओके प्लीज प्रिपेयर प्रोफॉर्मा। स्टार्ट। पेज पर इस तरह से बॉक्स तैयार करेंगे, स्क्वायर तैयार करेंगे और सेंटर में लिखेंगे, यहां पर सेंटर में बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज। अपर राइट कॉर्नर, अपर राइट कॉर्नर में ड्रॉवर का नाम आता है, अपर राइट कॉर्नर में ड्रॉवर का नाम। ओके स्टार्ट। राजेश भूमकर, राजेश भूमकर कॉमा गांधीनगर, ये इसका एड्रेस है, कॉमा नागपुर, ये इसका सिटी। एक लाइन में दिखना चाहिए बच्चों, एक लाइन में, कॉमा कॉमा फुल स्टॉप। नेम ऑफ ड्रॉवर, एड्रेस ऑफ ड्रॉवर एंड सिटी ऑफ ड्रॉवर, आफ्टर सिटी डेट, डेट ऑफ बिल 10th मार्च 2015, देन अपोजिट साइड में 2 स्क्वायर, 2 बॉक्स तैयार करने का, स्टैंप, आप बॉन्ड पेपर पर देखिए स्टैंप रहता, 100 का बॉन्ड पेपर, 500 का बॉन्ड पेपर, तो छोटे साइज के भी स्टैंप रहते, वो स्टैंप यहां लगाते, आपको बस स्टैंप लिखना है, स्टैंप लिखना है, वो भी कैपिटल लेटर में और इसके नीचे पैसे 4000
4500 स्टॉपर साइन, 4500 स्टॉपर साइन। अब अपना कंटेंट जो हमने क्या लिखा था, 3 months आफ्टर द डेट पे टू मी, आज 60 days आफ्टर द डेट, 60 days आफ्टर द डेट पे टू मी और माय ऑर्डर। कौन बोल रहा है ये बात, ये राजेश बोल रहा है। राजेश 60 days के बाद समीर को बोल रहा है, 60 days के बाद राजेश बोल रहा है समीर को, 60 days के बाद तू मुझे पैसे दे या फिर मैं जिसको बोलू उसको दे, 60 days आफ्टर द डेट पे टू मी और माय ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज। स्टूडेंट्स रुपीज का आर कैपिटल कंपल्सरी है, रुपीज 4500, FOUR, 4 का एफ कैपिटल, 1000 का टी कैपिटल, 500 का एस कैपिटल, 100 का एच कैपिटल। स्पेलिंग करेक्ट आना चाहिए। 60 days 60 दिन के बाद जो तारीख आती है, पे टू मी मुझे पैसे दे, ऐसा राजेश बोल रहा है, राजेश बोल रहा है समीर को 60 days बाद मुझे पैसे दे या फिर मैं जिसको बोलू उसको दे, आफ्टर द डेट पे टू मी और माय ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 4500 ओनली, 4500 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। फॉर द वैल्यू रिसीव्ड का मीनिंग कल बताया था आपको मैं, ये जो बिल है, बिल मतलब एक पेज है, ये एक डॉक्यूमेंट है, इसकी वैल्यू 4500 की है। कल के बिल की जो वैल्यू थी 10,000 थी, अभी 4500 है। ओके, कंटेंट कल का और आज का सेम है, कल 3 months था, आज 60 days है। पे टू मी मुझे पैसे दे, ऐसा राजेश बोल रहा है समीर को, हो गया कंटेंट कंप्लीट है। 60 days आफ्टर द डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 4500 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। नेक्स्ट स्टेप है सिग्नेचर। स्टूडेंट्स सिग्नेचर का स्टेप है नेक्स्ट, किसकी सिग्नेचर, जिसने बिल को रेडी किया, जिसने बिल को बनाया, और बनाने वाला ड्रॉवर है, और ड्रॉवर कौन है आज, राजेश भूमकर, इन ब्रैकेट राजेश भूमकर। ओके, अब ये है लेफ्ट बॉटम कॉर्नर, लेफ्ट बॉटम अपर राइट कॉर्नर, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में ड्रॉवी का नाम, तो ड्रॉवी का नाम है समीर चौधरी, समीर चौधरी मेन रोड बेलापुर, ड्रॉवी ड्रॉवर, ड्रॉवर ड्रॉस द बिल, ये बिल किसने बनाया, ड्रॉवर ने बनाया। क्या लिखा उसके अंदर, राइटिंग क्या हुआ, 60 days 60 दिन बाद ड्रॉवर को पैसे मिलेंगे, और वो देने वाला समीर है, 60 दिन बाद समीर पैसे देगा राजेश को, कितने, 4500 ओनली, 4F कैपिटल, 1000 T कैपिटल, 5F कैपिटल, 100 H कैपिटल। इतना लिखने के बाद ड्रॉवर की सिग्नेचर बनाने का, यहां पर ड्रॉवी का नाम लिखने का, एट द लास्ट एक्सेप्टेड। ये सब कंडीशन 60 डेज के बाद 4500 देने की जो कंडीशन है, समीर चौधरी एक्सेप्ट करता, कबूल करता, साइन करता, एक्सेप्टेड, अंडरलाइन सिग्नेचर, अंडरलाइन ब्रैकेट समीर चौधरी, ब्रैकेट कंप्लीट। किस दिन एक्सेप्ट किया उसने, किस दिन, कौन सी दिन एक्सेप्ट किया, 15
मार्च 2015 कंप्लीट। तो याद रखेंगे आज का भी बिल जो बनाया हमने बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रोफॉर्मा, ये भी विदाउट पे ही है। इसमें दो पर्सन है, एक है राजेश एक है समीर। थर्ड पर्सन जब आता है थर्ड तो उसका नाम होता है पेई। फर्स्ट पर्सन ड्रॉवर, सेकंड पर्सन समीर, थर्ड पर्सन आज नहीं है। थर्ड पर्सन जब आएगा वो होगा पेई, तो उसके लिए थोड़ा वेट करो, नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। ये समझा आपको? तो कल के वीडियो, कल के प्रॉब्लम और आज के प्रॉब्लम का डिफरेंस, डिफरेंस ये है कल पॉइंट में पॉइंट वाइज इंफॉर्मेशन थी, छह इंफॉर्मेशन, ड्रॉवर का नाम फर्स्ट, ड्रॉवी का नाम सेकंड, छह इंफॉर्मेशन। आज पैराग्राफ में था, हमने पैराग्राफ को क्लेरिफाई किया, ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवी का नाम, डेट ऑफ बिल सबको अलग अलग निकालकर बिल बना दिया। ओके, समझा आपको स्टूडेंट्स? अगर आपको इसमें कुछ समझने में प्रॉब्लम आ रहा तो आप मुझे एनी टाइम क्वेश्चन पूछ सकते व्हाट्सएप पर या फिर यूट्यूब पर कमेंट करके। और आखिरी में आपका फर्ज है कि हर बच्चे को आपको भेजना है, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं कॉलेज के सबको भेजो, सबका फायदा होगा। जब भी कॉलेज शुरू होगा हम वापस से कॉलेज और ट्यूशन में ये देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।